समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आज हमने कल की गिरावट के बाद ग्वार में एक अच्छी रैली फिर से निकलते देखी है। ग्वार गम का दिसंबर वाला देख रहे हैं 12,260 पर कारोबार कर रहा है, 4% का ऊपरी सर्किट है। वहीं ग्वार सीड का दिसंबर वाला 6,692 पर है 2.5% की तेजी के साथ। अमित जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार के फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल चार्ट जो भी कहते हैं उनके मद्देनज़र ग्वार के अंदर एक दिन गिरावट तो दूसरे दिन तेजी, ये जो बनते नजर आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्या ये मंदी तेजी जस्टिफाइड है? देखिए जो हद से ज्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है तो जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि 6,200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें सेल साइड में देखने मिलेंगे, वहां से रिबाउंड आ सकता है, वो हमने ग्वार सीड में देखा। सिमिलरली 11,700 से 800 तक की हमारी बात हुई थी ग्वार गम की, तो वो भी हमने देखा और उसके बाद बराबर से वहीं से बाजार पलटा भी है। तो मेरे हिसाब से अब तक जो है ओवरऑल सिंक में है, जो व्यू है उसके हिसाब से चल रहा है। हालांकि हाँ, थोड़ी बहुत उठा पटक जो है वो लिमिट में हो तो बेहतर रहेगा निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट ले लिए गए हैं तो एक ट्रेंडी मूव देखने मिल सकता है, जहां पर हमें दोबारा ग्वार गम में 12,600 से 700 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे और वहीं पर ग्वार सीड में 6,650 तक के स्तर दोबारा देखने मिलेंगे। जी,